पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आज सर्वपितृ अमावस्या है, यानी कि आज के दिन अब पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। आज अमावस्या भी है, लेकिन इस दिन खास इसलिए है क्योंकि आज पितृ विसर्जनी, इस दिन को पितृ विसर्जनी भी कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज आखिरी दिन है जब आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। माना ऐसा जाता है कि अगर आप किसी कारण बस जो आपके पूर्वज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी श्राद्ध की तिथि अगर आपको नहीं याद है, या फिर सही समय पर आप उनका अगर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो आज ऐसा दिन है जिस दिन आप उनकी मोक्ष की प्राप्ति की, उनकी मोक्ष की कामना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, कितने सारे लोग आए हैं जो अपने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आए हैं। यहाँ पर कई तरह के पंडित जी हैं जो इसकी पूजा करवा रहे हैं। कहा जाता है कि आज का दिन, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि आज के दिन अगर आप ये पूजा जो भी है वो करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति का अगर प्रार्थना करते हैं, तो आपके पूर्वज अगले 12 जन्म तक मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, हम अभी पटना के काली घाट पर स्थित है, जहाँ पर न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। लोग इसलिए आए हैं ताकि उनके जो पूर्वज है अगर किसी कारणवश वो श्राद्ध नहीं कर पाए हों, या फिर उनको किसी तरह की तिथि नहीं याद हो, तो आज ऐसा दिन होता है जिस दिन आप यहाँ पर आके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये तिथि है, आज 6 अक्टूबर है और आज के दिन मतलब 2010 में ऐसी मुहूर्त बनी थी, ऐसा शुभ समय बना था जब आप ये चीज़ कर सकते थे, और अब अगले 2029 में ये मुहूर्त आने वाला है। मतलब ये बहुत अच्छा संयोग माना गया है कि अगर आज के दिन आप अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर आज प्रार्थना करते हैं, तो आपके घर में शांति आती है, फिर कई तरह के धन लाभ होते हैं और आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति भी मिलती है। तो आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो यहाँ पर आए हैं और किस लिए आए हैं और वो इस बारे में क्या जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ से हैं आप? हम लोकल पटना से है। पटना से है, आप जानते हैं? तर्पण करने के हिसाब से आए हैं, जो अपने माता पिता करते हैं लोग, ये माता पिता को अपना संतुष्टि के लिए, माता पिता के शांति के लिए, और माता पिता के मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आया जाता है। उन्हीं के आत्मा के तृप्ति के लिए पानी या तर्पण दिया जाता है अपने पूर्वजों के लिए, क्योंकि आज लास्ट दिन है। आज बहुत से पितरों लोग जो है अपना मोक्ष के लिए अपने पुत्र पौत्र पर पौत्र या अपने बेटा पोता हर चीज़ को मैंने देखकर इंतजार करते हैं। हर साल ही आता है पितृपक्ष का माहौल, अमावस्या तिथि रहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सही हो, ये बहुत बढ़िया बन रहा है, ये नक्षत्र योग जो है बहुत सुंदर है, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंसान आ सकता है, पिंडदान कर सकता है, तर्पण कर सकता है, विधि कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होती है उसमें 15 दिनों जो है पितरों की तर्पण किया जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे धर्मशास्त्र की, ऐसी उसमें विदित है, लिखित है कि ये 15 दिन आपके जो पितृलोक से आपके जितने भी पितर हैं, यानी पितर जिसको कहते हैं, वो इस मृतलोक में आते हैं और प्रत्येक दिन जो है प्रतिपदा से लेकर के आज तक जो है उनकी पूजा की जाती है। जो आपके पितर करने का मतलब जो आपके परिवार में या आपके संबंधी में जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, है ना, चाहे नेचुरल या अननेचुरल, उनकी आप प्रत्येक दिन तिल कूस के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनकी आवाहन करते हैं, और आज के दिन अमावस्या के दिन उनको पूर्ण रूप से उनको विदा करते हैं, वो पुनः अपने पितृलोक को आज चले जाते हैं। नियम है, पितृपक्ष हो रहा है, यहाँ पर माता पिता के झोल पड़ रहा है, इसीलिए अपना जेंट्स लोग कम है, मर्द लोग ज़्यादा हैं। हाँ, ऐसा भी है जैसे दोनों आदमी अपना जैसे साथ देके अपना पूर्वजों के पूजा करते हैं, बहुत ऐसे खुशी मिलता है। हाँ, वो इंसान एकदम खुशी भरल पुरल रहते हैं। वही प्रतिपक्ष में कहते हैं ना, पितरों का पानी देते हैं जी। वो लोग आते हैं जी। अपना यहाँ अपने मतलब फैमिली को चाहते हैं कि मतलब आए मेरे को पानी दे, ये करे, वही सब है, मान्यता है। हिंदू का जो संस्कार है पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को तर्पण करना, हाँ, उनके लिए उनके सुख के लिए, उनके आगे का अपनों के अपना
मैंने वंशजों का सुख के लिए भी किया जाता है। उनका आत्मा के शांति के बाद अपनों सुख के लिए उनका पूर्वजों से देवता हो जाते हैं, उनसे मांग रहे हैं। मैं बेसिकली पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए कर रहा हूँ और बस बेसिकली पूर्वजों को की आत्मा की शांति के लिए, न कि अपने लिए। हम पटना के ही हैं, बाकरगंज से आए हैं। बाकरगंज से आई हैं, किसके साथ आई हैं आज? अपने हस्बैंड के साथ। पितर पक्ष में यही कहा जाता है कि अगर मतलब तिथि नहीं पता हो ना जिसको, अपने सास ससुर का या फिर परिजनों का, तो वो इस दिन आकर के और उनके आत्मा के शांति के लिए पानी वानी दिया जाता है। तो आप किसके लिए आई हैं? अपने सास ससुर के लिए, अपने दादा सास दादी ददिया सास और दादा सास के लिए आए हैं। जी, मैं बुरी मूड महेश नगर से। जी, आप इस दिन के बारे में मुझे कुछ बताइए कि क्या आप जानती हैं? मेन इसमें है कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग पानी देते हैं, जल देते हैं, कुछ लोग पिंड भी देते हैं, कुछ लोग अपना ये जल भी अर्पण करते हैं। मेरे यहाँ मेरे ससुर और मेरे पापा नहीं, जल में सिर्फ जल देते और जो क्या कहते हैं तिल और जौ के साथ देते हैं, लेकिन पिंड में है कि वो चावल का उससे बनाया जाता है पिंड, उसके के द्वारा दिया जाता है। आइए हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे आगे की, जहाँ पे आप अगर आपकी नज़र जहाँ तक जा रही होगी आप सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें यही देख रहे होंगे कि यहाँ कितने सारे लोग आए हैं, कितने संख्या में लोग आए हैं और अलग अलग ब्राह्मण हैं जो उनका जो पूजा की विधि होती है वो चीज़ करने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे कितने सारे लोग हैं। अनीशा वत्स, अनीशा वत्स हाँ, नहीं फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट बार आ रहे हैं, तो पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आए हैं। हाँ, यही तो सुनते हैं पुरोहित से जो सुने हैं, वही हम लोगों को जानकारी है नहीं, जो पंडित जी बताते हैं उसी का पालन। आज ही हम लोग में जो है ना, जो आज ही के दिन, जो आज लास्ट है पितृपक्ष का, इसीलिए आज का भीड़ जो है ये आसिन कृष्ण पक्ष का अमावस्या है। आज के दिन जो पितृ के नाम पर पूजन करते हैं उनका कल्याण विशेष रूप से होता है। ये तो एक महीने से चला आ रहा है, फिर अमावस्या को क्या? अमावस्या का विशेष रूप है, जितना भी छुट्टे भरे हैं, एक आदमी का कई तरह का होता है ना, यानी फादर, ग्रैंड फादर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबका मरने का तिथि अलग अलग होता है ना, ये सबका निचोड़ निकाल करके जो आज अमावस्या का दिन है, अमावस्या के दिन पूजा करने से सब एक साथ में तर जाते हैं। फर्क यही होता है कि जो आज जो पिंडदान का भी दिन है, जो अगर गया नहीं जा सके या घर नहीं जा सके तो गंगा तट पर रहते हैं, गंगा तट पर भी ये पिंड दिया जाता है जो मातृ पितृ के नाम से, ये तीन पुष्ट जो है पिता के नाम पर, पिता प्रपिता वृद्ध पिता, मातामा प्रमातामा वृद्ध मातामा, नाना परनाना वृद्ध नाना, इन लोग के साथ में सबका जल दे करके आज का पिंड देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ ये कुश का महत्व है, कुश ये भी साक्षात हुआ उनके साथ में, जैसे किसी का सपोर्टर होता है ना गवाह, उसलिए ये कुश का भी गवाह रूप में हाथ में रखा जाता है कि ये भी उनका गवाह रहेगा कि इन्होंने अपना पितृ का जल अर्पण किया है या पिंड दान किया है। तो आप देख रहे होंगे कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो आज खास यही भीड़ है कि आज पितृ का विसर्जन है, आज अमावस्या तिथि है और अमावस्या के रोज पितृ का विसर्जन आज है, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं अपने पितृ को तर्पण जल देने के लिए और जल दे के अपने सुख शांति के लिए वृद्धि के लिए आते हैं कि जो हम गंगा स्नान कर जल दें और तर्पण कर मैं अपने पितृ को शांति दें कि हमारा पितृ बाल बच्चा उन्नति दे और सुख शांति दे और वृद्धि हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं जो ये लोग आए हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आए हैं। हाँ, आत्मा की शांति के लिए आए हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और अमावस्या के हम लोग तर्पण करते हैं। जी, तो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि लोगों की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है। हम पटना के काली घाट पर हैं और लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, गंगा जी में जल अर्पण कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं और उनकी ये कामना है कि जो पूर्वज है उनको आत्मा की शांति मिले। लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।